हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज यहाँ का भी आ गया है नंबर, इस वाले घर का, मतलब इधर की साइड का, जहाँ पर हम लीपते हैं गोबर। और यहाँ आज मुझे गोबर लीपना है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारा सामान पड़ा था और जब से मैं आई हूँ तो मुझे ना तो टाइम ही मिला और ना ये सामान ही उठा यहाँ से, इस वजह से मेरे से नहीं हुआ। तो आज यहाँ का भी नंबर आ गया। यहाँ मैं पहले पूरे घर की करूँगी सफाई, इधर की मतलब सेटिंग करूँगी, सारे जो भी सामान फैला पड़ा है इधर उधर वो सारा सेट करूँगी, और उसके बाद फिर गोबर से पूरे इसको घर को इधर लीप दूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए और देखिए बिल्कुल मतलब गंदा हो रखा है। मुझे लग रहा शायद जब हम आए थे जब ही करा होगा, या करा आपने? हाँ, ये मम्मी से तो अब नहीं होता, रुचि को आता नहीं गोबर लीपना, तो मैं या इंदु ही लीपते हैं। और मम्मी तो को आता तो है लेकिन होता नहीं, अब उनसे बैठ कर झुक के काम नहीं होता, परेशानी रहती है। तो मैंने सोचा चलो ये भी जब तक मैं हूँ इधर, इसको भी मैं लीप देती हूँ यहाँ पर। और ये पूरा घर पहले सेट करूँगी, ये देखिए दिखा देती हूँ, दोनों कमरों में बुरा हाल हो रहा है, देखिए पूरा सारे को पहले सेटिंग करूँगी अच्छी तरीके से। क्या कह रही बता? ये इस घर में पता है जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था आज तक चीज, वो पता हूँ क्या है? क्या है? इसके पीछे ना वो जो चरखा है ना, वो नहीं पता था मुझे कि हमारे अच्छा ईशु को यहाँ पे आज पता लग गया कि हमारे घर में चरखा है, जो चरखा पहले इसे काटते थे जो बड़े आदमी थे। मम्मी आपने भी काटता पहले? अच्छा, जो दादी जी थी मैं काटती थी और मम्मी ने भी काटता है, लेकिन मम्मी कह रही मैंने कमी किया है, और जो दादी जी थी मैं करती थी, क्योंकि बड़े आदमी पहले सब अपने आप ही काटते थे और फिर उनसे ही वो फिर खेस दताई बनवाते थे ना। हाँ, मेरी जो मेरी दादी थी वो भी ऐसे ही करती थी, मैंने तो नहीं देखा करते हुए, मम्मी और को तो देखा नहीं करते हुए। तो आज ईशु ने चरखा देख लिया और वो कह रही कि मम्मा मैंने पहली बार इस घर में वो देखा, चल और वो रखा है ऊपर, मैं दिखा देती हूँ आपको, वहाँ से मेरे से चढ़ा तो जाएगा नहीं और काफ़ी सारा सामान भी भर रहा, लेकिन दिखा देती हूँ एक बार आपको कहाँ रखा चरखा। और ईशु की नज़र वहीं पहुँच गई है ना, तो देखे वो रखा ऊपर कहाँ पर, दिखा रही ईशु, देखो बेटे वहाँ बहुत सारा सामान भर रहा, उसमें ऐसा दिखने का नहीं है। मैं चढ़ूं ऊपर? नहीं, ऊपर से नहीं चढ़ा जाएगा बेटे, बहुत भारी होता है वो। मैं क्यों उठाऊंगी? ये है चरखा और इसे ये देख के ना तो ये बहुत खुश हो रही है कि चरखा गांधी जी का चरखा मिल गया मुझे, तो आज ही वो कहती है। और कल अपने पापा को भी बता रही, मैंने ऐसा कल ही दिखाया था ये, तो कल अपने पापा को भी बता रही, पापा मुझे तो आज पता, मैंने क्या देखा क्या चरखा है हमारे घर में, आज मैंने देखा, मैंने इसे कल दिखाया था। तो जी समय वेस्ट ना करते हुए लग जाते हैं अपने काम पर, और मैं लगी हूँ बस, पहले सबसे पहले पूरा घर संगवाना है और उसके बाद लगाऊंगी वो गोबर फेरूंगी। गोबर का जो काम है वो इतना नहीं है, गोबर का तो थोड़ा सा ही है, देखिए पूरे घर में तो सामान ही रखा है, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह है, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेगी गोबर फेरने में, लेकिन जो इसकी साफ सफाई है संगवाना है उसमें ही टाइम लगेगा, लगभग 2 घंटे तो लग ही जाएंगे मान का चलो ऐसा। एक तो गर्मी इतनी ज्यादा हो रही, बुरा हाल हो रहा, लेकिन करना भी है ही, तो रोज गर्मी गर्मी के चक्कर में सोच रही थी, कल थोड़ा मौसम ठीक भी था लेकिन कल फिर मैंने किचन की सफाई करी क्योंकि वो अभी जरूरी थी। तो मम्मी तो आज भी ना कर रही कि रहने दे, मम्मी सोचती है कि तू थक जाएगी, रहने दे गर्मी हो रही, लेकिन अगर रहने रहने दे के चक्कर में रहूंगी तो कुछ भी नहीं होने का, तो मैंने सोचा चलो भाई कर लेती हूँ जैसा कैसा भी होगा, फिर वरना तो ऐसे ही टाइम निकलता चला जाएगा, फिर आ जाएगा जाने का नंबर, फिर रह जाएगा। तो बस मैं पहले पूरे घर की सेटिंग कर देती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी गोबर हम कैसे लीपते हैं। वैसे तो मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ है कि हम कैसे लीपते हैं, सेम वही तरीका है, लेकिन देखिए अब देख लो कि कैसा हो रहा है, और उसके बाद जब मैं पूरी सफाई कर दूंगी पूरे घर की, और उसके बाद देखना कि बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा एकदम सही। तो फिर लग जाते हैं अपने काम पर। बेटा मशीन खराब हो जाएगी, इसको देखो तीन छेद इसमें। तो जी जो साफ सफाई का काम था वो यहाँ कंप्लीट हो गया, ये देखिए मैंने कर दी है सारी अलमीरा अच्छी तरीके से झाड़ पूछ के,
साफ, और जितना भी मेरे से हुआ है मैंने कर दिया चारों साइड से अच्छी तरह झाड़ पूछ के, बाहर भी, रूम भी, ये मंदिर भी अभी सारा साफ कर दिया। उधर तो ज्यादा नहीं किया, उधर बहुत ज्यादा मर रहा, लेकिन मुझे उसकी जगह नहीं मिली कहाँ धरूं, तो उसे मैं एक दो दिन में करूंगी इस वाले कमरे को। और यहाँ बरामदे में भी सारा कर दिया, मतलब खाली कर दिया जितने में भी, ज्यादा पोछा तो नहीं लगेगा, जो गोबर लिपेंगे ज्यादा नहीं लिपने का, थोड़ी ही जगह है, क्योंकि अब ये बेड भी पड़ा है और दीवान भी, और अंदर वो संदूक वगैरह रखे हैं, तो ज्यादा जगह नहीं है करने के लिए, लेकिन जितनी भी है इतनी मैं कर दूंगी। तो अब बस गोबर लिप लेंगे, पहले सबसे चीरन दूंगी जो व्हाइट वाली है साइड होती है, इसे लिपूंगी और फिर लिपूंगी गोबर। तो इस चीरन के लिए ये लिए है मैंने ये खड़िया, ये व्हाइट खड़िया होती है, इसको घोल लेंगे, इससे ये चीरन दी जाएगी। और ये है लाल मिट्टी, और इस लाल मिट्टी से जो गोबर घोलेंगे उसके अंदर मिलानी है, और इसको गोबर के अंदर डाल के मिक्स करके फिर गोबर लीप लेंगे। तो पहले मैं घोल लेती हूँ दोनों चीजें, ये खड़िया डाल लूंगी मैं इसमें, ज्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ी ज्यादा जरूरत नहीं है मुझे, तो इसको डालकर अब इसमें डाल लूंगी थोड़ा सा पानी, पानी डाल के ये घुल जाएगी अच्छी तरीके से, बस 2 मिनट लगेंगे इसे घुलने में, ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये मैंने इसमें गोबर ले लिया और गोबर को पानी के अंदर घोल लिया है अच्छे से, और इसके अंदर ये डाल लेंगे लाल मिट्टी। लाल मिट्टी वैसे तो ये कम है मेरे पास, क्योंकि और मिली नहीं, मम्मी जाके भी आई है बाहर दुकान पे, खत्म हो रहा सामान, वे कह रहे कि लॉकडाउन की वजह से आया नहीं सामान, ऐसा ऐसा जो जरूरी है मतलब खाने पीने का वही आ रहा पीछे से, तो ये इतनी है तो इसी से ही काम चला लूंगी आज। फिर 2-4 दिन बाद अगर मिल गई तो फिर दोबारा मंगा के दोबारा फिर लीप दूंगी। इसको भी घोल के अच्छी तरीके से घोल लेंगे, जितना भी कलर आवेगा इतना ही ठीक है भाई, करना तो है ही। दोनों चीजें घुल के होगी तैयार, अब मैं सबसे पहले दूंगी चीरा। इसको इस तरीके से कोई छोटा कपड़ा ले लेंगे, कॉटन का लेते हैं तो ज्यादा अच्छा हो जाता, मतलब होता है उससे काम, ये मैंने कॉटन का कपड़ा ले लिया। और इसको जो ये खड़िया घोल ली हमने अच्छे से मिक्स कर ली, और जो ये बाउंड्री होती है ना, देखिए पहले भी आपने देखी होगी ये चमकरी, इस तरीके से इसको लीप लेते हैं, मतलब बाउंड्री बाउंड्री करते हैं इससे, और बीच में फिर ये गोबर से लीपते हैं। वैसे तो इसका कुछ ज्यादा वो नहीं है कि ये क्यों जरूरी है करनी, लेकिन इससे और भी ज्यादा अच्छा, जो ये कहते हैं कि मतलब अच्छा लगता है जो गेटअप है वो बहुत और भी अच्छा आ जाता है, व्हाइट और रेड कलर का कॉम्बिनेशन बन के। और अब तो किसी के घरों में भी इतना गोबर नहीं फिरता, बहुत कम फिरता है, मतलब लीपते हैं कम गोबर, लेकिन पहले बहुत से लोग ज्यादातर मतलब सभी घरों में लिपा जाता था, और इतना अच्छा लगता था, और वो इतने ज्यादा मतलब फूल वगैरह बना के इतना सुंदर अपना घर बना लेते थे बहुत ज्यादा। अभी तो इतना किसी को नहीं होता, क्योंकि हाल तो किसी किसी के घर में ही, अब 100 में 1 है जिसके घर में गोबर लिपता है, बाकी तो नहीं लिपता, लेकिन पहले ज्यादा ट्रेंड था इसका। और लोग देखा मैंने बहुत से घरों में देखा, जब मैं छोटी थी तो जैसे अपने मायके में थी वहां सबके यहाँ पे गोबर ही लिपता था, हमारे यहाँ भी जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी और बुआ जी और लिपती थी, और वे इतना सुंदर सुंदर मतलब फूल निकाल निकाल कर लिपती थी, मुझे बहुत ही सुंदर लगता था। और मैं भी जब छोटी थी तो उनके साथ ही ऐसा थोड़ा थोड़ा काम करना सीख गई थी। अब तो वहां पे भी नहीं कहीं भी होता, मायके में भी सब जगह पक्का ही फर्श हो रहा, यहाँ भी ये थोड़ा सा ही है और ज्यादा तो है नहीं, इसको भी सोच रहे इसका भी रिन्यूअल करवाने को, इसे चेंज करवाने के लिए कि दोबारा तोड़ के बनाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे फर्श नहीं डलवा रहे, क्योंकि ये ज्यादा पुराना हो रहा मकान। तो जी इस तरीके से सारी बाउंड्री को कवर कर लेंगे हम व्हाइट कलर से ही।
तो चीरन मैंने दे दी है, अब मैं लीप दूंगी गोबर। तो गोबर को भी मैंने खोल के तो रख लिया, और ये ले लिया छोटा कपड़ा, जितना भी हमारे हाथ में आ जाए इतना ही बड़ा कपड़ा लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना। तो ये ले लिया, हम सबसे पहले अंदर कमरे में लीप लेंगे। तो इस तरह से लेके सबसे पहले जो ये बाउंड्री होती है इसकी ऐसे किनारी किनारी लीप लेंगे, मतलब ऐसे एक बाउंड्री की तरह बिल्कुल लाइन सीधी करके इस तरह इसको बना लेंगे। ऐसे तो लोग बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन भी बनाते हैं, लेकिन मुझे नहीं आते, मैं तो ऐसे ही सिंपल सा ही बस यह काम चलाओ कर लेती हूँ। तो इस तरह जितने में भी हमारा हाथ का जितना स्पेस है इतने में हम इसको अच्छे से पहले लीप लेंगे गोबर को, और फिर ऐसे जैसे कोई फूल अलग अलग तरह के बनाते हैं सब, मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, ऐसे सर्कल करके ये फ्लावर बना लेंगे। जितना भी हमारा हाथ का स्पेस है उसी के हिसाब से बना लेंगे। तो बस इसी तरीके से पूरे घर में गोबर लीप लूंगी मैं। तो जी देखिए मैंने पूरे घर में लीप दिया है गोबर, अंदर कमरे में भी, बरामदे में भी, घर पूरे में, और दूसरे वाले कमरे में भी। दूसरे वाले कमरे में ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही बस सामने सामने ही स्पेस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ सामने ही कर दिया मैंने, ये देखिए यहाँ पर। और पूरे घर में लीप दिया है गोबर, और थोड़ा सा बस वैसे तो काम करते हुए मन लगता है बहुत, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है करना। थोड़ी गर्मी ज़्यादा है इस वजह से थोड़ी सी परेशानी होती है, सर्दी होती है ना, सर्दी में तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती और बहुत मन लगता है करते हुए। अब तो यह होता है कि मुझे एक हफ्ता हो गया हुए, तो बिल्कुल ही जब मुझे लगा कि बिल्कुल ही नहीं चल रहा काम, जब करना पड़ा गर्मी की वजह से, हालांकि बहुत परेशानी हो रही थी मुझे देख देख के कि यह बहुत गंदा हो रहा, कब करूँ कब करूँ इस वजह से। तो खैर आज ये भी काम मैंने कर ही दिया जैसे कैसे करके। और आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये मैंने जो साफ़ सफाई की है अपने छोटे से घर की, तो ये आपको कैसी लगी। और ये तो पता ही है, देखो साफ़ सुथरा रखते हैं अगर तो अच्छा लगता है, मन भी लगता है, चाहे कितना भी पुराना हो, कितना भी कैसा भी घर हो, बस हम उसे थोड़ा सा मतलब साफ़ सुथरा करके रखें तो वो भी अच्छा लगता है, मतलब मन लगता है करके। और बस मैंने ये लीप दिया, और जितना भी मेरे से बना है मैंने, मतलब जितना भी हो सका है मैंने सारा अच्छी तरीके से कर दिया खूब मन लगा के। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये मैंने जो गोबर लिपा है आपको कैसा लगा है, और जो मतलब इस छोटे से घर की मैंने जो सफाई की है अपने, ये आपको कैसी लगी। तो बस मैं वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।